और फिर आप उसको वापस ले, या आपकी विशेष शक्ति आपको रियलाइजेशन के बाद हमें आई। अभी तक मैंने पहले बताया ही है बातें बहुत सारी जो पहले इसमें मैंने आपको बताया था, उसके अलावा आप इस बात का ख्याल करें जो डीपर मेडिटेशन में आपको जो करना है वो अपने चित्तवृत्ति का एक्सपेंशन और उसका खिंचाव। अब जब आप खिंचाव और एक्सपेंशन अपना करने लग जाएंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि आपकी गहराई जो है वो बढ़ती। एक ऐसा सोचिए कि गेहूं अगर खूब सारा आपने यहाँ फैला दी, बहुत सारा गेहूं जिस आदमी ने फैला दिया उसका फैलाव ज़्यादा हो गया, फिर आपने गेहूं इकट्ठा करके उसको ऐसा बड़ा कर दिया, उसकी ऊंचाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? तो उसी तरह से जब आपने सारा की सारा अपने को समेट लिया अपने चित्त को, तो देखिए अंदर की गहराई बढ़ गई। और ज्ञान आते गया, ज्ञान क्या आया कि हंसी आने लग गई कि अरे मैं इसमें लिपटा हुआ था, ये भी कोई निपटने की चीज़ है, ये भी कुछ है, माने ऐसा लगेगा कि कोई खास बात है ही, कोई ऐसी विशेष संसार की ये बातें हैं। अपने यहाँ का एक लड़का है, पार हो गया था, वो इंटरव्यू में गया, जब लौट के आया तो मैंने कहा भाई हुआ कि नहीं हुआ, कहले मुझे लग ही नहीं रहा कि कुछ हुआ है कि नहीं हुआ, होगा तो होगा नहीं होगा तो, बाद में सिलेक्शन होगा। तो वो जो बोर्ड वाले थे उन्होंने मुझे बताया कि साहब ये लड़का अजीब कमाल का कि बिल्कुल डरा नहीं, कुछ नहीं आया, उससे बात कुछ उसने साफ साफ बात कह दी, जो कुछ थी कह दी और चला गया, मैं डरा नहीं। तो ये कैसे क्या हो गया? मैंने कहा भाई देखिए हमने कहा था ना कि वो रियलाइज्ड है, आप देखिएगा उसको विशेष रूप से, आप एग्जामिन करेगा कि क्या विशेषता है। वो कहा कि हमने उसमें यही बात देखी कि वो आया, उससे जो सवाल पूछा सीधे सीधे जवाब दे दिया, ना उसमें छल ना कपट ना कुछ नहीं, उसने साफ साफ बात कह दी कि ये बात है, ऐसी ऐसी बात, और फिर इस तरह से खड़ा रहा, मानो लेना हो तो ले, उन्हें तो नहीं शान में खड़े, ना तो उसने हमारा कोई किस तरह का कभी अपमान किया और ना ही कोई उसमें उसने बड़ाई ज़्यादा हमारे पीछे में दुम हिलाते खड़ा रहे। चित्त भी ऐसा ही है, जब चित्त में विकृति रहती है, क्योंकि मनुष्य में दिव्यता तभी आती है जब वो पार हो जाता है, जब उसका चित्त हर जगह में उलझा रहता है तो उसके चित्त में विकृति आती है। समझ लीजिए कि जैसे कोई ये आपने देखे होंगे बहुत से पेड़ों में से ऐसे जिसको टेंड्रिल्स कहते हैं वो निकलते हैं, खासकर जो कि चढ़ने वाले ये होती हैं बेलें, उनमें से ऐसे निकल कर तो इसको पकड़ लेती फिर उसको पकड़ लेती फिर उसको पकड़ लेती है, तब वो बेचारी धीरे 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 ऊपर चढ़ती है। उसी तरह से जो मानव पार नहीं हुआ रहता है वो भी कभी इसको पकड़ता है उसको पकड़ता है उसको पकड़ता है, इस तरह से वो अपने को खड़ा करता है किसी तरह से। कभी तो सोचता है कि अरे मेरे पास पोजीशन नहीं है तो मैं दुनिया में कैसे चलूँगा, अरे मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं दुनिया में कैसे चलूँगा, अरे मेरे पास ये नहीं तो मैं दुनिया में कैसे चलूँगा। लेकिन जो पेड़ अपनी तनाव पे खड़ा हो जाता है वो स्वतंत्रता में अलग से खड़ा है। लेकिन यही बात आपके साथ भी हो रही तब ये ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी विशेषता को समझें। सबसे बड़ी विशेषता आपकी यह है कि आपको एक फोर्थ डायमेंशन आ गया है। कौन सा फोर्थ डायमेंशन आ गया? कौन सा फोर्थ डायमेंशन आ गया? जो चैतन्य शक्ति आपके अंदर प्रवाहित है उसमें आप खड़े हुए हैं। अब आप इसमें से उसमें कैसे जा सकते हैं, ये बड़ा महत्व का पॉइंट है, आप समझिए। अब इसमें आप किस तरह से उसमें उतर सकते हैं, उसमें रह सकते हैं, स्थिर हो सकते हैं, ये बड़ा महत्व का पॉइंट। अब आप देखिए अगर अपने चित्त की ओर तो आप देखेंगे कि इसमें एक तरह का एक्सपेंशन होता है और ये ऐसे अंदर खिंचता भी है। अपने चित्त की ओर देखिए, अपने चित्त की ओर देखिए, ये ऐसा लगता है जैसे कहीं जैसे किसी चीज पे जाता है और आप चाहे तो उसको हटा सकते, उसका एक्सपेंशन हो रहा है और उसको आप खींच सकते हैं। जैसे कि कोई गुब्बारा होता है या उसको मराठी में फुगा कहते हैं, उसको आप फुगा दीजिए तो वो ऐसे जाएगा और फिर अंदर खींच। इसी तरह से आप अपने चित्त की ओर दृष्टि रखिए, आपका चित्त जो है वो किसी भी चीज की ओर जा भी सकता है और वहां से लौट भी